Redmi Note 13 Pro Plus, ये फोन हमारे पास पिछले दो हफ्ते से रखा हुआ है और इस फोन को मैं ऑन अ डेली रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहा हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको फुल रिव्यू देने वाला हूँ। अगर आप ये फोन लेने का सोच रहे हो, पहले ये कंप्लीट रिव्यू देख लेना। सो हे गाइज, माय नेम इज नमन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो नोट सीरीज का मैं शुरू से ही काफी बड़ा फैन रहा हूँ, चाहे वो रेडमी नोट 5 प्रो हो, 6 प्रो, 10 प्रो, 12 प्रो, सारे फोन मैंने जो है रखे हैं, यूज करे हैं। और फैन होना बनता भी है क्योंकि हर एक नोट सीरीज में कुछ ना कुछ नया आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से फोन लेने में मजा आता है। लेकिन पिछले एक या दो साल से रेडमी नोट सीरीज के प्रो प्लस वेरियंट भी आ गए, यानी कि प्रो तो था ही, लेकिन अब उसका भी एक एडवांस वर्जन आपको देखने को मिलेगा, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि रेडमी नोट 13 प्रो सीरीज में आपको Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro ये दो वेरिएंट भी मिल जाते हैं, जो 15,000 रुपए से स्टार्ट होते हैं। लेकिन Pro Plus जो मेरे पास है, ये 30,000 के अंदर में आता है। तो 30,000 में हमें ये फोन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, वो बताने से पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है रेड कलर का, जिसमें Pro Plus सामने लिखा हुआ है, और उसके अलावा साइड में भी आपको Redmi की ब्रांडिंग मिल जाती है। बैक साइड में कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, जिसको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। वैसे सब कुछ डिटेल में आपको आगे तो पता पड़ने ही वाला है। बॉक्स को ओपन करते ही यहाँ पे आपको अलग अलग चीजें मिल जाती हैं, जैसे कि केस इसमें इंक्लूडेड है, सिम ट्रे टूल मिल जाती है, वहीं पे कुछ पेपर वर्क मिल जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, फोन जो है अच्छे से रैप्ड रखा हुआ है, इसको हम बाद में खोलेंगे। लेकिन हम बात करें जो Redmi अभी तक कर रहा है, वो ये कि भाई इसके अंदर ही आपको चार्जर मिल जाता है, और चार्जर कोई छोटा मोटा नहीं है, 120 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स में मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से तारीफ करने लायक है। तो अब बढ़ते हैं फोन पे। तो भाई फोन को जैसे ही मैंने जो है पॉलिथीन से बाहर निकाला, और एक चीज सबसे पहले नोटिस की, वो ये कि भाई फोन का वेट बहुत ज्यादा लाइट है। तो अब बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की बात करते हैं, तो बैक साइड जो है वो कलर ब्लॉक पैटर्न के साथ में आता है, आपको अलग अलग ब्लॉक में जो है कलर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट टाइम जब इसकी इमेजेस वगैरह सामने निकल के आई थी, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि ये कैसा दिखेगा फोन, लेकिन जब हाथ में मेरे ये फोन आया, तब देखा कि भाई इसके कलर बहुत ज्यादा सटल है, ज्यादा पॉपअप नहीं होते हैं, दिखने में बहुत ज्यादा प्रीमियम फील होता है। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज, जो मेरे पास वेरियंट है ये वीगन लेदर वाला है। यस, आपको जो बैक मिल रहा है वो वीगन लेदर में मिल जाता है, तो आपको और भी अच्छा प्रीमियम सा फील जो है हैंड में आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा इसमें आपको एक व्हाइट कलर भी मिलता है, एक ब्लैक कलर भी मिलता है। लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन दूं, तो मुझे ये वीगन लेदर वाली जो डिजाइन है वो बहुत अच्छी लगी है। वहीं अगर थोड़ी और डिटेल में बात करें, तो कैमरा बंप जो है थोड़ा सा निकला हुआ है, लेकिन जो पैटर्न वगैरह बने हुए हैं, यानी कि जो डिजाइन है आसपास मेटल यूज हुआ है, वो बहुत ज्यादा क्लासी लगता है। इवन फ्लैश लाइट पे भी आपको वो डिजाइन देखने को मिल जाएगी, रेडमी लिखा हुआ है, वो भी आपको थोड़ा मेटलिक डिजाइन में मिल जाएगा। वहीं फ्रेम की बात करते हैं, तो पूरा मेटल डिजाइन में है ये। राइट साइड में आपको वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा। वहीं नीचे साइड आपको यूएसबी टाइप सी का जो है पोर्ट मिलेगा, स्पीकर है, सिम ट्रे मिल जाएगा, और ऊपर साइड में भी आपको स्पीकर्स वगैरह मिल जाएंगे, सेंसर्स मिल जाएंगे। तो यस, इसमें आपको ऊपर नीचे दोनों तरफ जो है स्पीकर्स मिल जाते हैं। तो ओवरऑल डिजाइन और इनहैंड फील की अगर मैं बात करूं, तो फोन जो है बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है, और जो रेडमी नोट सीरीज पहले से आ रही है उसके कंपैरिजन में अब बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है रेडमी का ये नोट सीरीज फोन। और वहीं ये फोन IP68 रेटिंग के साथ में आता है। इस फोन को जो है जब हमने इंस्टाग्राम पे रील बनाया था, तो भाई 50 मिनट से ज्यादा जो है फोन को पानी के अंदर डाल के रखा हुआ था। फोन जो है उसके बाद निकलने के बाद बहुत अच्छे से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीकर बढ़िया चल रहे हैं, कैमरा बढ़िया चल रहा है, स्क्रीन अच्छी चल रही है। स्क्रीन की तो मैं क्या बोलूं कि इसमें जो है थोड़ी सी एक टच टाइप की टेक्नोलॉजी डाली गई है, यानी कि जब बारिश वारिश होती है तो बूंदों के कारण जो है फोन की स्क्रीन नहीं चलती, जो आपको बाकी फोन में प्रॉब्लम मिलती है। लेकिन वो प्रॉब्लम Xiaomi ने जो है कहीं ना कहीं सॉल्व कर दी है। भरी बारिश में भी आप फोन को इजीली यूज कर सकते हो, अपने आप फोन नहीं चलेगा, आपके हिसाब से जो है फोन चलेगा। तो IP68 और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस के कारण जो है ना ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी वाइज जो है ये फोन काफी सॉलिड बन जाता है। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो भाई डिस्प्ले जो है आपको थोड़ा चेंज लग रहा होगा, इस बार Redmi Note सीरीज में आपको कर्व्ड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। अब इसका डिस्प्ले देखने पे ऐसा लगेगा कि जो Xiaomi का 13 Pro आया था, जो कि Xiaomi का एक फ्लैगशिप फोन है, वैसे ही आपको सिमिलर डिजाइन सामने की देखने को मिलती है। 3D कर्व्ड डिजाइन के साथ में आता है, AMOLED डिस्प्ले है, टोटल स्क्रीन साइज 6.67 इंच का है। लेकिन एक बेस्ट पार्ट ये है कि भाई इस बार फुल HD डिस्प्ले नहीं है, क्योंकि इस बार 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आपको इसका डिस्प्ले मिलेगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा अपग्रेड आपको मिल रहा है। फुल HD वगैरह को छोड़ के अब रेजोल्यूशन आपको तगड़ा मिल जाता है। वहीं पे 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में तो ये आता ही है। अगर बाकी स्पेक्स की बात करें, तो डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, HDR 10 प्लस के साथ में आता है। भाई इसका टच सैंपलिंग जो है वो 240 हर्ट्ज के साथ में, ऑलमोस्ट 68 बिलियन प्लस कलर सपोर्ट ये डिस्प्ले करता है। और प्रोटेक्शन की बात करें, तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का सपोर्ट है। और नई चीज जो आपको इसके डिस्प्ले में देखने को मिलती है, वो है भाई इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। अभी तक आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता था, तो यहाँ पे Redmi वालों ने जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इस बार दे दिया। ये तो स्क्रीन के स्पेसिफिकेशन की बात हो गई, लेकिन इस फोन के डिस्प्ले को जब मैंने नॉर्मली डे टू डे लाइफ में यूज
किया तो भाई मुझे जो है कॉन्ट्रास्ट वगैरह काफी सही लगा है, यानी कि क्वालिटी जो है ओवरऑल मुझे काफी बढ़िया लगी। चाहे इसके आइकन्स भी देख लोगे ना, वो भी बहुत अच्छे से पॉपअप होकर दिखते हैं। वहीं अगर आप धूप में फोन को यूज कर रहे हो तो इसकी जो पीक ब्राइटनेस है 1800 नीट्स की है, तो भाई धूप में भी आप आराम से फोन को यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई फोन में कुछ दिखने रहा है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं फील होगी। तो डिस्प्ले वाइज तो सच में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको मिलेंगे, अच्छे खासे जो है फ्लैगशिप फोन को ये टक्कर आराम से दे देगा। अब बात करते हैं भाई इसके कैमरे की। रियर में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिल जाता है, जिसमें से जो मेन कैमरा है वो 200 मेगापिक्सल का है, जिसमें सैमसंग का आईसोसेल HP3 सेंसर लगा हुआ है। वही दूसरा सेंसर है 8 मेगापिक्सल का और थर्ड सेंसर है मैक्रो सेंसर जो कि है सिर्फ 2 मेगापिक्सल का। अब यहाँ पे इमेज सैंपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ, तो जितने भी आप फोटोज ये देख रहे हो इस फोन के थ्रू ही लिए गए हैं। अब एक चीज मैंने इन फोन में नोटिस की है कि भाई ओवरऑल इमेज की क्वालिटी को जो है सॉफ्टवेयर बेसिस पे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गली जो है अच्छा कर दिया गया है। 200 मेगापिक्सल का सेंसर सिर्फ नाम का नहीं है, रियल सेंसर इसमें लगा हुआ है। तो अगर आप कोई ऐसी इमेज लेते हो 200 मेगापिक्सल पे जो आप जूम करके बाद में एडिट वगैरह करना चाहते हो तो वो आप इजीली कर सकते हो, पिक्सल वगैरह डिस्टॉर्ट नहीं होंगे। वही फ्यूजन ऑप्टिक्स और कलर इंजन के साथ में ये जो है कैमरा सेंसर है, तो आपको जो ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट व्हाइट बैलेंस वगैरह मिल रहा है वो ऑटोमेटिकली काफी अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाता है, जो शायद पहले के स्मार्टफोन में ऐसी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब काफी ज्यादा इंप्रूव कैमरा इसका हो चुका है। अब इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें लगा हुआ है MediaTek का Dimensity 7200 अल्ट्रा प्रोसेसर, LPDDR5 प्लस UFS 3.1 के साथ में ये आता है। 8GB 12GB तक की रैम ऑप्शन आपको मिलेगी, प्लस 256GB और 512GB तक का आपको इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन इसमें मिल जाएगा। लेकिन मैं अगर बात करूं भाई ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो देखो दो टाइप के यूजर्स होते हैं, एक जो नॉर्मली फोन यूज कर रहा है तब आपको इसमें जो है बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत स्मूथली ये फोन काम कर रहा है, कोई भी लैग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं हुई, हैंग नहीं हो रहा है फोन, इतने टाइम से यूज कर रहा हूं, एप्लीकेशन जो ट्रांसफॉर्म हो रही है वो काफी ज्यादा स्मूथ हो जाती है, प्लस रैम की ऑप्टिमाइजेशन काफी इंप्रूव हो गई है इसमें, तो आप आराम से जो है रैम में काफी टाइम तक एप्लीकेशन को रख सकते हो। अगर आप वीडियो एडिट कर रहे हो, इमेज एडिट कर रहे हो स्मार्टफोन से ही, तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। वही अगर आप हार्डकोर गेमर हो तब भी इसकी परफॉर्मेंस जो है ना बहुत बढ़िया मिली है। सबसे बेस्ट चीज लगा इसकी कूलिंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें जो जल्दी से कूल हो रहा है ना फोन, मैंने इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं की थी, बट भाई मेरे एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छा ये उभरा है। आप आराम से जो है BGMI के लॉन्ग सेशन जो इसमें कर सकते हो, बहुत अच्छे से गेम खेल सकते हो, ज्यादा लैग की प्रॉब्लम नहीं होती है, हाई क्वालिटी ग्राफिक जो है आपको इसमें मिल जाएगा, तो परफॉर्मेंस वाइज जो है ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन द बेस्ट पार्ट इसकी इसमें जो है आपको हाइपर OS मिल रहा है, जैसे आपके पास फोन आएगा आपको OTA अपडेट के थ्रू जो अपडेट मिल जाएगा। हाइपर OS एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहले MIUI चलता था, लेकिन अब Xiaomi ने अपडेट करके हाइपर OS पे आ गए। हाइपर OS की बात यह है कि भाई कस्टमाइजेशन ऑप्शन काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, चाहे लॉक स्क्रीन का कस्टमाइजेशन हो, इंटरनल कस्टमाइजेशन हो, वो सारे जो है ऑप्शन काफी ज्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बेस्ट चीज ये है कि काफी ज्यादा लाइट वेट जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो चुका है, यानी कि 102GB तक जो है ओवरऑल साइज जो है इसका कम कर दिया गया। MIUI थोड़ा सा जो है बगी हो रहा था, एक हैवियर साइड पे एक स्किन थी या फिर रोम थी, लेकिन उसको कम करने के लिए हाइपर OS जो है निकाला गया है। अब Xiaomi के जितने भी फोन आए फ्यूचर में आएंगे वो हाइपर OS इनेबल्ड ही आएंगे, इसमें भी आपको हाइपर OS का ऑप्शन मिल जाएगा। अब बैटरी वगैरह की बात ही कर लेते हैं, तो इसमें जो है 5000mAh की बैटरी मिलती है जो स्टैंडर्ड बैटरी साइज है, लेकिन जो स्टार्टिंग में वीडियो बोला था कि 120W का चार्जर इसमें आपको बॉक्स में मिल जाता है, तो करीब करीब कह सकते हैं कि 20 से 25 मिनट में ये आपके फोन को फुल चार्ज कर देगा, जो कि बहुत ज्यादा क्विक है। अब बाकी स्पेक्स की बात करें तो वाईफाई 6 के साथ में आता है, ब्लूटूथ 5.3 टेक इसमें आपको मिल जाती है। वहीं इसमें जो वाइब्रेशन मोटर है वो भी काफी अच्छे से काम कर रही है, हैप्टिक्स आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं जब आप टाइप करते हो, वॉल्यूम वगैरह जो है मेंटेन करते हो, या फिर जितने भी हैप्टिक्स है वो आपको स्ट्रांग मिल जाते हैं, आपको पर्सनली जो है काफी अच्छा हैंड पे फील होगा। तो भाई अगर कंक्लूजन दूं ना फोन का, तो जितने टाइम तक मैंने इसको यूज कर रखा है अभी, उतने टाइम में बोलूंगा कि फोन बहुत कमाल का है। प्राइस 30,000 है, कई सारे लोगों को थोड़ी ज्यादा लगी, कई को जो है काफी बढ़िया लगी, आपका क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट में बता देना। मेरे हिसाब से 30,000 रुपए में ये फोन काफी अच्छा खासा जो है लेने लायक बन जाता है। तो अगर आपका 30,000 बजट है, आपको जो है अच्छा कैमरा चाहिए, अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए, प्लस एक आपको स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग सिस्टम, हाई क्वालिटी की स्क्रीन चाहिए, तो भाई ये फोन काफी सही है। बट अगर मेरा पर्सनल चीज बोलूं तो वो है इसका वीगन लेदर डिजाइन। तो ये था मेरा फुल डिटेल रिव्यू रेडमी नोट 13 प्रो प्लस के ऊपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको कोई भी फीडबैक है तो वो कमेंट में जरूर बता देना, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।